नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर कितने और एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए 43 ऐप, बी 48 ऐप, सी 57 ऐप या डी 59 ऐप। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले भीषण जाम से निपटने हेतु बैठक का आयोजन। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले भीषण जाम से निपटने को लेकर विक्रमशिला सेतु स्थित यातायात टीओपी पर भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती और नौगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम के नेतृत्व में दोनों जिले के पुलिस पदाधिकारी ने विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पुल पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। बैठक के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी आशीष भारती ने टीम में शामिल पुलिस के अधिकारी और जवानों को यह निर्देश दिया है कि अगर पुल पर कोई वाहन खराब होता है तो विशेष टीम जल्द से जल्द खराब वाहन को पुल से हटाने का कार्य करेगी, जिससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। बैठक के दौरान भागलपुर और पुलिस जिला नौगछिया के कई डीएसपी और थानेदार मौजूद। ऐसे फोटो भी तो नहीं मार सकता, इसके लिए सही है। उसके हिसाब से बहुत ज्यादा वाहनों का दबाव है और खास करके जो विशेष जो मौके होते हैं, जिसमें जैसे गंगा स्नान हुआ, जैसे कार्तिक पूर्णिमा आ रहा है या फिर शादी एवं अन्य मौक़ों पे काफ़ी ज़्यादा वाहनों का प्रेशर रहता है और कई लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो उस समय कई लोग यहाँ पे वाहन को पुल के पास खड़ा कर देते हैं और जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है। विशेष करके अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है या फिर अगर वाहन काफ़ी खड़े हो जाते हैं तो लोग ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं जल्दी निकलने के चक्कर में और दो मिनट बचाने के चक्कर में कई लोगों का कई घंटे उसमें ख़राब हो जाते हैं। तो इसको लेकर के आज भागलपुर पुलिस तथा नौगछिया पुलिस के द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से बैठक की गई थी। सभी जो यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको बताया गया है कि कैसे, अगर पहली बात है प्रिवेंटिव कि वो होने ही नहीं दें, और जिसके लिए बताया गया है कि जब कोई विशेष आयोजन होता है तो उससे पहले जितने बजे वो प्रारंभ होता है उससे कम से कम दो घंटे पहले ड्यूटी पे आ जाएं, जैसे जब गंगा स्नान वगैरह रहता है का आयोजन विभिन्न दिनों में रहता है तो उस समय अर्ली मॉर्निंग से ड्यूटी पे ज़रूर लग जाएं और अनावश्यक मतलब वाहनों को यहाँ पे खड़ा नहीं होने दें, अवैध मतलब उनको पार्क नहीं करने दें, साथ ही साथ लगातार भ्रमणशील रहें और एक जगह पर स्टैटिक होकर के नहीं रहें। अगर वाहनों का आवागमन किसी कारण अवरुद्ध हुआ हो कहीं दूर तो उस समय वो आगे जा कर के जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे जा कर के उसको छुड़ाने का प्रयास करें और अगर उनको मतलब आवश्यकता हो तो वायरलेस सेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित जो दूसरे जिला के हैं नवगछिया या भागलपुर वहाँ से संपर्क करेंगे ताकि कोऑर्डिनेट करके उसको हम लोग दूर करा सके जो जाम की समस्या है। और हम लोगों ने देखा कि एक बार यहाँ पे दिवाली के बाद एक बार 16 तारीख को ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसके बाद जो सारे व्यवस्था किए गए थे तो छठ या छठ के बाद भी उस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। गाड़ियाँ ख़राब हो जाने का जो समस्या उत्पन्न होती है तो उनके लिए बताया गया है कि तुरंत उसको हटवाना सुनिश्चित करेंगे अगर वो हटवाने की स्थिति में हो तो, और वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और बल तुरंत पहुँच जाएंगे और जहाँ पे ख़राब है उसके दोनों तरफ खड़े रह करके वन वे चला करके इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। तो इस तरीके से कई सारी व्यवस्था की गई है, अन्य बातें मैडम बता देंगे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन,
जीरो माइल नौगछा भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर प्रभारी कुलपति का किया गया पुतला दहन। भागलपुर के TNB कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर संजय चौधरी पर कई संगीन आरोप लगाते हुए बिहार के कुलाधिपति से राज्यपाल से उन्हें जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की है। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या मामला बताए आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से विश्वविद्यालय के कुलपति श्री संजय चौधरी का पुतला दहन का कार्यक्रम था। श्री संजय चौधरी सभी को ज्ञात है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे लाखों रुपए के अनियमितता के आरोप लगे हैं, फर्जी LPC बनाकर अपना वेतन उठाने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर नहीं है फिर भी सीधे BC के पद पर काबिज है, ऐसे ऐसे संगीन आरोप हैं इस पर। तो इसी के विरोध में हम लोग का ये पुतला दहन का कार्यक्रम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। क्या मांग क्या करते हैं? मांग कर रहे हैं हम लोग, ये मांग है कि इनको VC साहब को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, और यहाँ से ही नहीं हटाया जाए, विश्वविद्यालय से नहीं हटाया जाए, बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से भी नहीं हटाया जाए। ये एकदम ही निहायती भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है, इनको अगर नहीं हटाया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। परिचय दें। आशुतोष सिंह तोमर, जिला प्रमुख एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भागलपुर। भागलपुर के साउंड एसोसिएशन संघ के सदस्यों द्वारा SDO को दिया आवेदन। भागलपुर में साउंड एसोसिएशन संघ के बैनर तले दर्जनों DJ संचालक और बैंड संचालक भागलपुर के समाहरण न्यायालय परिसर स्थित SDO कार्यालय पहुंचे और SDO आशीष नारायण को आवेदन देकर DJ और बैंड बजाने की अनुमति मांगी। इस दौरान DJ एसोसिएशन संघ के व्यवस्थापक सुनील शाह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के काल में पिछले 10 माह से DJ संचालक के परिवार का जीवन यापन काफी कष्टदायक हो गया है। साथ ही DJ संचालक संघ के सदस्यों ने कहा कि जो भी गाइडलाइन राज्य सरकार और हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है वे सारे निर्देशों का पालन करेंगे। वह SDO आशीष नारायण ने लगन के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस को साउंड एसोसिएशन संघ के सदस्यों को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि DJ संचालक शादी के दौरान सिर्फ 10 गाना लड़का के घर पर और 10 गाना लड़की के घर पर बजाएंगे, साथ ही बारात के दौरान सड़क पर किसी भी तरह का DJ या बैंड नहीं बजाया जाएगा। ऐसा करने पर DJ और बैंड संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीते 10 माह से कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए हम लोग DJ के जितने भी संचालक हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं और जितने भी मेंबरगण हैं, आज 10 माह से ऐसी स्थिति है कि हम लोग की मौत ही नहीं हुई है, बाकी सब कर्म हो गया है। इसीलिए हम लोग DM साहब से कल मिले और हमारे जितने भी हैं कमेटी के सदस्य सारे लोग DM साहब के सामने प्रस्ताव रखे, वो जो है फिर सुझाव दिए कि जाइए आज जो है आप लोग SDM साहब से मिल लीजिए, और SDM साहब से मिलने के लिए आज हम लोग इस कचहरी परिसर में SDM साहब के कार्यालय में के बाहर हम लोग खड़े हैं। जैसे अनुमति मिलेगी हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। मांग यही है कि हम लोग को DJ बजाने, जब कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश ये है कि 10 बजे तक DJ बजने दिया जाए, और ये भी आदेश है कि 75 dB में बजाना है। इसके लिए हम लोग तैयार हैं, इसके लिए हम लोग तैयार हैं उसी नियम से काम कर और उसी नियम से काम पिछले साल से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग सरकार का आज्ञा का पालन करेंगे। आइए अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है सुनील शाह, जिला व्यवस्थापक। आज जो बैंड वाले हैं उनके एसोसिएशन के कुछ लोग और DJ संचालक जो हैं उनके कुछ लोग मिलने आए थे, जिन्होंने अनुरोध किया कि सरकार के गाइडलाइन के आलोक में जो निर्देश दिया गया है उसके
अनुपालन में कोई परेशानी अगर उन्हें आती है तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा? तो सर्वप्रथम तो उनको सरकार के जो गाइडलाइन हैं कि किसी भी तरह का जुलूस, किसी तरह का बारात सड़क पे नहीं निकलना है, और कोई भी बाजा या कोई भी बैंड सड़क पे नहीं बजेगा, इससे अवगत कराया गया सर्वप्रथम उन्हें। और ये बताया गया कि अगर आप लोग सड़क पे बैंड बाजा या बारात के साथ किसी तरह का बाजा बजाते हुए या फिर कोई म्यूज़िक प्ले करते हुए पकड़े जाएंगे तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो प्रावधान है कोविड 19 के संबंध में उसके अंतर्गत। और यह बताया गया कि जो निर्देश है सरकार का कि वैवाहिक समारोह स्थल और परिसर में इसकी अनुमति है, अर्थात वे लोग वैवाहिक समारोह या स्थल या परिसर जो होगा जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ पे वो लोग बजाएंगे, वो इसकी अनुमति सरकार द्वारा दी गई है। तो उन लोगों ने भी यह बताया कि उन लोगों ने निर्णय लिया है कि 10 गाना वो लोग प्ले करेंगे वैवाहिक स्थल के पास, उससे ज़्यादा नहीं प्ले करेंगे। और इस संबंध में थाना प्रभारी और अन्य जो पदाधिकारी प्रखंड स्तर के हैं उन्हें भी निर्देश दिया जा रहा है कि सरकार के इस निर्देश का दृढ़तापूर्वक पालन करवाएं, अनुपालन करवाएं, ताकि कोविड संक्रमण जो जाड़ा के आने के, शीतकाल के आने के संबंध समय में काफ़ी बढ़ता जा रहा है उसको नियंत्रित किया जा सके और इसके संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। नवगछियांचल कार्यालय का एडीएम ने किया निरीक्षण। शनिवार को भागलपुर एडीएम राजेश झा राजा ने नवगछियांचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अंचल कार्यालय में बड़ी संख्या में पेंडिंग पड़े मामले को लेकर कार्यालय कर्मी को जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा उन्होंने राजस्व वसूली बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने, साथ ही साथ पेंडिंग पड़े मामले को 3 दिन के अंदर निष्पादित करने का निर्देश नौगछिया सीओ विश्वास आनंद को दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि राजस्व कर्मचारी के पास दाखिल खारिज के 90, सीओ के पास 222 एवं कार्यालय लिपिक के पास 1719 मामले लंबित है। नौगछिया अंचल में अब तक 1543 मामले ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के मामले ठंडे बस्ते में पड़े रहने के कारण एडीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीओ विश्वास आनंद के अलावा अंचल कर्मियों को जमकर फटकार लगाया। वहीं मौके पर नौगछिया DCLR परमानंद शाह, रंगरा अंचल अधिकारी और नौगछिया कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद थे। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जी सर, जो विभाग के स्तर से भी डायरेक्शन है नियमित रूप से निरीक्षण करना। निर्वाचन कार्य को देखते हुए बहुत दिनों तक निरीक्षण कार्य स्थगित रहा था और कोविड संक्रमण को भी देखते हुए निरीक्षण कार्यक्रम बढ़िया ढंग से नहीं हो पा रहा था सभी जगहों पर, इसलिए सभी अंचलों का निरीक्षण किया जा रहा है, नए सिरे से डायरेक्शन दिया जा रहा है। क्या सब खामियां पाई गई नवगछियांचल में? खामी पता चलता है वो पब्लिक के मामलों के डिस्पोजल पर। तो पब्लिक का मामला जो गिरभान से परिमार्जन का हम लोग देखे हैं 28 मामला केवल पेंडिंग है जिसको दिया गया 2-3 दिन के भीतर निष्पादित कर दें। इस तरह का निर्देश भी दिया गया सर? निर्देश दिया गया जो म्यूटेशन जो हो रहा है तो उसमें प्रगति लाई जाए। कितना पेंडिंग है सर? यहाँ 73% उपलब्धि है, तो 73% है उसको कहा गया 90% करने के लिए और लगान वसूली में प्रगति करने के लिए। लगान वसूली में क्या किस तरह का परेशानी आ रही है सर? परेशानी नहीं आ रही, ऑनलाइन सिस्टम में है क्या जो अब पब्लिक कहीं भी जमा कर सकती है, तो उसी को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो लगान अपने से जमा करें, यही प्रयास के लिए डायरेक्शन दिया गया कर्मचारी। कई जगह अतिक्रमण की बात भी आ रही है सर, अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। देखिए दो प्रकार का अतिक्रमण, अतिक्रमण तो सदैव सतत प्रक्रिया है, उसके लिए यहाँ पर जो बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 है उसके तहत आवेदन आते हैं, उस पर सीओ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे पेंडिंग केसों की संख्या कम है, वो आवेदन आने के बाद ही कोर्ट अपने आप नहीं प्रोसीड करता है, कोर्ट के पास ले जाना होता है। तो ऐसे मामले आएंगे तो निश्चित रूप से अंचल अधिकारी देखेंगे इसको। धन्यवाद। नवगछिया, युवक की गला दाबकर हत्या कर सबको पेड़ से लटकाया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय लत्तीपाकर धरारा के पीछे एक पेड़ पर 20 वर्षीय युवक का शव शनिवार की अहले सुबह भैंस चराने वाले चरवाहों ने देखा तो इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल गोपालपुर पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। शव का पैर जमीन से सटा हुआ था जिस कारण हत्या कर शव को पेड़ पर लटका देने का मामला प्रतीत हो रहा है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या कर शव को लटकाने का प्रतीत हो रहा है। पेड़ के पास
युवक की साइकिल व एक एंड्रॉइड व एक अन्य मोबाइल उसके पॉकेट से व कुछ रुपए बरामद हुआ है। मोबाइल से फोन करने पर मृत युवक की पहचान सैदपुर पंचायत के गोड़ियारी निवासी स्वर्गीय छोटेलाल पंडित के पुत्र कृष्ण कुमार पंडित के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी पहचान की और उसने बताया कि देर रात वह मोबाइल पर लगा रहता था। घर से वह कब निकला यह हम लोगों को पता नहीं है। उसने यह भी बताया कि धरारा में उसके 3-4 दोस्त हैं। गोपालपुर पुलिस ने सबका पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। घटनास्थल पर मृतक के घर पर चर्चा के अनुसार मृतक की हत्या प्रेम प्रसंग में उसको विश्वास में लेकर धरहरा बुलाकर कर दी गई है। हत्या के असली कारण का पता तो पुलिस जांच से ही पता चल पाएगा। बड़ा भाई। बड़ा भाई तो क्या घटना आपको कैसे कब से मिसिंग है? ये सुबह 4 बजे निकला, मैं खेत में गया होगा जी काम करने, लेकिन अभी मेरे को फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हुआ। मृतक का क्या नाम है? कृष्णा कुमार पंडित। उम्र कितना होता है? 22 साल हो रहा होगा। ये आपके कौन हुए जो मृतक है? भाई है। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय छोटेलाल पंडित। घर? गोरियारी से। भाई कितने हैं? 5। आपका क्या नाम हुआ? बाल्मीकि पंडित। आपको क्या लग रहा है कैसे निकले? क्या हुआ? सुबह तो 4 बजे निकला होगा, मैं खेत गया होगा ये, तो अभी फोन आया मेरे पास ऐसे ऐसे घटना हुआ है। सुबह प्रतिदिन निकलते हैं? आज पहले आज ही पहली बार इतना सुबह निकला था। क्या साइकिल लेके निकले थे? साइकिल लेके निकले आता यहाँ पे। अच्छा, 3-4 दोस्त है इसका। नाम जान रहे हैं क्या? नाम नहीं जानते इसका। फिर भी आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? पता नहीं क्या लग रहा है, किसी लड़की का चक्कर होगा और क्या होगा। अच्छा, इसका परसों मैंने मोबाइल छीन के रखा था। अच्छा, तो फिर इसके बाद इसका दो फोन था इसका छोटा वाला, मैंने देखा 2-3 दिन से इसका फोन ज्यादा बिजी आ रहा था, तो मैंने रात में देखा इसका फोन छीन के रख लिया मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा फोन, दूसरा छोटे वाला फोन था इसके पास, अब फिर सुबह 4 बजे गायब हो गया। प्रेम प्रसंग में कृष्णा पंडित की हुई हत्या की आशंका, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर पंचायत के गोड़ियारी निवासी स्वर्गीय छोटे लाल पंडित के 20 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार पंडित की हत्या प्रेम प्रसंग में किए जाने की आशंका व्यक्त किया जा रहा है। वहीं परिजनों द्वारा रो कर बुरा हाल है। मृतक कृष्णा पंडित के बड़े भाई बाल्मीकि पंडित ने बताया कि वह कुछ दिन पूर्व घर आया था। वह समस्तीपुर में खाद कारखाने में कार्यरत था। माँ ने रोते रोते बताया कि अन्य दिनों की तरह कृष्णा कुमार पंडित रात को खाना पीना खाकर घर में सोया था। घर से वह कब निकला और धरारा कैसे पहुंचा यह बताना मुश्किल है। वहीं इस बात की चर्चा जोरों पर है कि प्रेम प्रसंग में हत्या कर सबको पेड़ से लटका दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश सिंह व पूर्व मुखिया विजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी मृतक के भाई व अन्य लोगों से लिया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जिस तरह से सबको जमीन पर लटकते हुए देखा गया, इससे हत्या कर सबको पेड़ से लटकाने का संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गोपालपुर पुलिस के अनुसार पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही इस मामले में सही बात की जानकारी सामने आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर मामले का पता चल सकेगा। ढोलबज्जा कदवा पुलिस ने 6 शराबी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कदवा ओपी पुलिस ने शुक्रवार की देर रात मिलन चौक समीप शराब पीकर हंगामा कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराबियों में खरी थाना क्षेत्र के ढोड़िया दादपुर निवासी 36 मलिक, कदवा मिलन चौक के माखन डोम, खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के तारनी डोम, बीपुर थाना क्षेत्र के बभनगामा गाँव निवासी हुलो मलिक, भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गाँव निवासी बौकू मलिक, वरंगरा ओपी थाना क्षेत्र के कोसकीपुर गांव निवासी अरविंद मलिक है। नौगछिया सरकार से मिलने वाली अनुदान की किसानों को दी गई जानकारी। शनिवार को नौगछिया प्रखंड के नगरा पंचायत स्थित वसुधा केंद्र में सरकार द्वारा दी जा रही किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी कुमार गौतम, सहायक तकनीकी पदाधिकारी साइना प्रवीण, प्रिया कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। डीएम के निर्देश पर पंचायतों में हुआ 7 निश्चय योजना की जांच, मचा हड़कंप। डीएम प्रणव कुमार के निर्देश पर नौगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड के चिन्हित पंचायत में जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा योजना 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल व गली नाली योजना की जाँच की गयी। बताते चले कि 7 निश्चय योजना के तहत कई वर्षों पूर्व पूरी राशि की निकासी के बावजूद काम आधा अधूरा होने की शिकायत पर जाँच किया जा रहा है।
वरीय उप समाहर्ता मनीष कुमार ने इस्माइलपुर प्रखंड के कमला कुंड पूर्वी भिट्टा व छोटी पर्वत्ता पंचायत के दो वार्डों में जलनल गली नाली व पीएम आवास योजना की जांच की है। जांच के बाद उन्होंने पीएम आवास योजना में लक्ष्य के अनुसार आवास निर्माण नहीं होने पर कड़ी आपत्ति बताते हुए तत्काल अधूरे आवास को पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर गोपालपुर डिमहा व अभिया पचगछिया पंचायत के चिन्हित वार्डों की सात निश्चय योजना की जांच में मोहम्मद मोइज ने किया है। उन्होंने आधे अधूरे कार्य को पूरा करने का सख्त निर्देश दिया और यह पदाधिकारी द्वारा विभिन्न वार्डों में जाकर जांच किए जाने से हड़कंप मच गया है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल चाउमीन मोमोज बिरयानी नूडल्स सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नेम प्लेट नंबर प्लेट ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9043-67-170। नवगछिया 25,000 रंगदारी की रकम नहीं देने पर गोलीबारी करने का आरोप। नवगछिया 25,000 प्रतिमा रंगदारी की रकम नहीं देने पर हरवे हथियार से साथ लेंस होकर घर पर चढ़कर गोलीबारी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बारे में नवगछिया थाना क्षेत्र के मक्का तकिया निवासी पीड़ित रतन कुमार ने 3 लोगों पर नामजद एवं 4-5 अज्ञात लोगों पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में नवगछिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जाँच की जा रही है। दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया के रंगरा में डिलीवरी बॉय से नकदी सहित सामान की छिनतई। नवगछिया के रंगरा में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक निजी कंपनी के डिलीवरी बॉय से नकदी सहित डिलीवरी के लिए ले जाए जा रहे अन्य सामान की छिनतई कर ली। घटना रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर के समीप NH 31 सड़क मार्ग पर बताई जा रही है। घटना को लेकर पीड़ित डिलीवरी बॉय एवं गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर निवासी रवि कुमार ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के संबंध में रवि कुमार ने पुलिस को बताया कि शाम के लगभग 4 बजे के करीब वह सदवा छापर और रंगरा से सामान की डिलीवरी कर वापस नवगछिया लौट रहा था। इसी दौरान भवानीपुर चौक के समीप पीछे से आ रहे 2 बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक कर मुझे रोक दिया और मेरे कंधे में नकदी रखे सभी सामान वाले बैग को झपटा मारकर छीन मुरली चौकी और भाग निकला। मेरे बैग में कुल नकदी 24,510 रुपए एवं अन्य 1.5 दर्जन कीमती सामान रखा हुआ था। साथ ही पॉकेट में रखे मेरे दोनों मोबाइल भी छीन लिया। घटना के बाबत रंगरा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने बताया कि इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना की जांच की जा रही है। ढोलबजा दूसरे दिन भी सबकी नहीं हो पाई पहचान। रविवार के बाद सब का कर दिया जाएगा अंतिम संस्कार। कदवा के कंचनपुर समीप कोसीधार में शुक्रवार की सुबह मिले एक अज्ञात युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने आशंका जाहिर कर बताया है कि कोसीधार में मिले युवक का शव मोरसंडा व फुलौत की ओर से कोसी नदी की पानी में बहकर कदवा तक पहुँचा होगा। शव का पोस्टमार्टम करा नदी थाने में शिनाख्त के लिए रखा गया है। नदी थाना प्रभारी मोहम्मद मकबूल अहमद ने बताया कि शनिवार की देर रात तक सबकी पहचान नहीं हो पाई है। रविवार के बाद वरीय अधिकारी के निर्देश पर सबका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। नवगछिया महिला घर से हुई फरार, ससुर ने दिया थाने में आवेदन। रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी सुजीत रजक की पत्नी पूजा देवी शुक्रवार की रात जब सब कोई घर में सो गया था तो पूजा घर से फरार हो गई। सुजीत के पिता ने बताया कि रात में बहू घर में ही सोई थी, सुबह जब देखा तो घर में नहीं मिली तो मैंने अपने समधी जोगिंदर रजक को गोगरी जमालपुर कॉल किया। वो मायके में भी नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिलने पर मुझे शक हुआ कि बहू किसी के साथ भाग गई है, जिसको लेकर रंगरा थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन
जीरो माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9390437। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।